वंदे मातरम दोस्तों दोस्तों मैं हूँ योगेश विश्वकर्मा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सिलिकॉन एमल्सन की। दोस्तों ये देखिए, ये एक व्हाइट बनाया मैंने और एक ये ट्रांसपेरेंट बनाया है, ठीक है, अभी कुछ आधे एक घंटे पहले बनाया है। तो मैं आज आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि इसको बनाते कैसे है। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि इसका यूज क्या करते हैं, पहले मैं आपको यूज भी बता दूं क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसका यूज ना पता हो। तो मैं बता दूं, इससे टायर पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश और कार पॉलिश बनाई जाती है इनका यूज करके। ये एक व्हाइट भी आता है और ट्रांसपेरेंट भी आता है। मैं आज आपको दोनों बताऊंगा कि बनाना कैसे। सिंपल, इसमें वैसे तो ये जो होता है सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही बनता है, बट हम इसमें टाइटेनियम पाउडर डाल के इसको व्हाइट भी बना देते हैं। तो हम चाहे तो हम दोनों बना सकते हैं। अभी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी ये 200 फॉर्मूला की बुक नहीं ली है तो ये जो नंबर दिख रहा है ये मेरा ही नंबर है, इसमें मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके फॉर्मूला बुक ले सकते हैं। इसमें मैंने 200 बहुत अच्छे फॉर्मूलेशन मैंने मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप कुछ भी माल बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो प्रोडक्ट का, या तो नया या पुराना या कर रहे हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूलेशन की जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे आपको सारे फॉर्मूलेशन अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बाद मेरे इस पर सपोर्ट भी है। सपोज आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है बनाते टाइम तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देर ना करते हुए चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली पहले हमको कार्बोपोल वाले एक जेल लेना है। आप तो जानते हैं पानी के साथ कार्बोपोल, तो मैंने ये पानी लिया है और कार्बोपोल लिया है। सारी क्वांटिटी आपको नीचे शो हो रही है, ठीक है ना। मैंने ये जेल बनाया है क्योंकि हम थोड़ी सी इसमें थिकनेस भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालते हैं ट्राएथलोमाइन। आपको तो पता है ट्राएथलोमाइन कार्बोपोल में जब हम डालते हैं पानी के साथ तो वो और गाढ़ा जेल बन के रेडी हो जाता है, ठीक है ना। मैं अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, और इसलिए मैं एक हाथ से अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, बट आप प्रॉपर इसको बनाइएगा और करिएगा, ठीक है। फिर हम इसको एक दूसरे एक छोटे से बीकर में ले लेंगे जिसमें मुझे बनाना है, ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से बना सकूँ। ये आप समझ चुके हैं, ये पानी है, कार्बोपोल है और ट्राएथलोमाइन है, मतलब एक हमारा वाटर जेल बन के पहले रेडी हो गया है। ये देखिए टाइटेनियम पाउडर जिसकी मैंने बात करी थी, ये टाइटेनियम पाउडर है। अगर हमको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो टाइटेनियम पाउडर नहीं डालेंगे, और अगर मिल्की व्हाइट बनाना है तो हम इसको डालेंगे। देखिए अभी हम बना रहे हैं मिल्की व्हाइट, बस सिंपल सी प्रोसेस। अगर मिल्की व्हाइट बनाना है तो हम इसमें डाल देंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ये टाइटेनियम पाउडर हम इसमें डाल देते हैं और इसको फिर अच्छे से करेंगे मिक्स। दोस्तों ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी को आप फॉलो करना, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे एल्फॉक्स, ठीक है ना। ये अब हम इसमें डालते हैं एल्फॉक्स, और एल्फॉक्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मैं दोस्तों 2 से 3 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट करता हूं, बट आप लोग एक प्रोडक्ट को मिक्स करने मतलब एक केमिकल के बाद जब दोबारा दूसरा केमिकल मिक्स करें 2-3 मिनट का आप टाइम जरूर ले लें, ठीक है ना। अब हमने इसमें ले लिया एल्फॉक्स, अब हम एल्फॉक्स को बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हो जब इसमें हम वाटर और ऑयल काम करने वाले, तो ये मीडिएटर का काम करेगा एल्फॉक्स। ये मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सिलिकॉन ऑयल, ठीक है। सिलिकॉन ऑयल आप बहुत अच्छे से जानते हो, 350 ग्रेड का हम डाल सकते हैं, 1000 ग्रेड का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन ऑयल डाल के अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। दोस्तों आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे PDMS, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे दिख रहा है PDMS, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट केमिकल है इसके लिए, ये जो शाइनिंग का काम है ना ये मेन मतलब ये करता है और सिलिकॉन ऑयल दोनों करते हैं, ठीक है। बस अब हम इसे करना अच्छे से मिक्स और ये हमारा बनके रेडी है, 4-5 घंटे बाद यूज करना है।